हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है टेलीविजन पर हिंदी निबंध। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। प्रस्तावना: टेलीविजन को विज्ञान का अद्भुत आविष्कार माना गया है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। टेलीविजन मनोरंजन और सूचना का एक बहुत अच्छा साधन है। टेलीविजन पर विश्व भर की जानकारी सभी लोग घर बैठे ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविजन पर हम कार्यक्रम देख और सुन भी सकते हैं। आविष्कार: टेलीविजन का आविष्कार सन 1926 में जॉन लागी बेयर्ड ने किया था। भारत में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना दिल्ली में सन 1959 में हुई थी। टेलीविज़न की जानकारी: टेलीविज़न, जिसे टीवी भी कहा जाता है, यह मनोरंजन के इस्तेमाल के लिए सबसे लोकप्रिय उपकरणों में से एक है। पहले इसमें काले सफ़ेद चित्र ही देखे जाते थे, फिर धीरे धीरे टीवी पर रंगीन चित्र भी दिखाई देने लगे। आज के समय में टेलीविज़न का पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है। पहले कम कीमत पर टीवी उपलब्ध हो जाते थे, आजकल एलईडी टीवी छोटे और बड़े आकारों में बाजारों में उपलब्ध होते हैं, जो पतले और हल्के रूप में आते हैं और महंगे भी होते हैं। यह मीडिया का एक महत्वपूर्ण रूप है। टेलीविज़न वायरलेस रिमोट से नियंत्रित किया जाता है। टेलीविज़न में फिल्में, गाने, मौसम की खबरें, विश्व भर की खबरें, समाचार, कहानियां, कार्टून, खेल, कॉमेडी, शिक्षा, विज्ञापन आदि अनेक प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। टेलीविज़न पर कार्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन के केंद्र से होता है। पहले एक दो चैनल ही दिखाए जाते थे, आज के समय में केबल और डिश के माध्यम से घर घर में दूरदर्शन पर अनेक चैनल दिखाए जाते हैं। हर चैनल पर दिन रात कुछ न कुछ कार्यक्रम आते रहते हैं। टेलीविज़न जानकारी प्राप्त करने में हमारी बहुत मदद करता है। लोग अपने चयन के अनुसार रिमोट के बटन को दबाकर चैनल का चयन कर सकते हैं और अपने मनोरंजन के कार्यक्रम देख सकते हैं। समाचार चैनल दुनिया में वर्तमान घटना के बारे में जानकारी का एक बड़ा स्रोत है। देश विदेश की गतिविधियों का सीधा प्रसारण टेलीविज़न पर किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, क्रिकेट खेल का भी कार्यक्रम घर पर बैठे बैठे देख सकते हैं। टेलीविज़न पर विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। टेलीविज़न के अस्तित्व में आने से मनोरंजन की दुनिया में हलचल मच गई। टेलीविज़न लोगों की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। टेलीविज़न देखने से समाज में जागरूकता बढ़ती है, इसलिए हर वर्गों के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। बच्चों के लिए कार्टून, कॉमेडी और शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। युवा वर्ग के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम गाने, फिल्में, पुरुषों के लिए रोज़गार से संबंधित, महिलाओं के लिए कुकिंग और ब्यूटी पार्लर के अनेक कार्यक्रम, धारावाहिक, बुजुर्ग वर्ग के लोगों के लिए आस्था, भजन, योग आदि के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। ज़्यादातर महिलाएं टेलीविज़न पर अपने मनपसंद धारावाहिक देखना पसंद करती है। टेलीविज़न टाइम पास करने का सबसे अच्छा साधन है। यह हमारे ज्ञान को बढ़ाने और विकसित करने का बेहतर माध्यम है। टेलीविज़न के प्रभाव: टेलीविज़न देखने के अनेक फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। बच्चों में टीवी देखने की लत भी लग जाती है और अत्यधिक समय टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं। टेलीविज़न को थोड़ा दूर बैठकर देखना चाहिए, क्योंकि पास से टीवी देखने से आँखों को बहुत नुकसान पहुँचता है और बहुत से लोगों को चश्मा भी लग जाता है।
बच्चे हर समय टेलीविज़न पर कार्टून और कॉमेडी देखते रहते हैं और बाहर भी खेलने नहीं जाते। लोग हर समय टेलीविज़न घर पर बैठे बैठे देखते हैं, जिससे कई लोगों को मोटापे की शिकायत भी हो जाती है। कभी कभी टेलीविज़न पर नकारात्मक चीज़ें देखकर भी लोग गलत कार्य करने लग जाते हैं, जो बेहद हानिकारक होते हैं। टेलीविज़न देखकर लोगों को अनेक कार्य करने की रुचि बढ़ती है और लोग अपने जीवन की स्थिति को सुधार भी सकते हैं। कभी कभी टेलीविज़न से समय की बर्बादी भी होती है। निष्कर्ष, टेलीविज़न सभी लोगों के लिए मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है, जहां पर अनेक प्रकार के चैनल दिखाए जाते हैं। देश विदेश की खबरें घर पर आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन इसके फायदे और नुकसान भी हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग सही समय पर करना चाहिए। आज सभी के घरों में टेलीविज़न है। इससे पता चलता है कि वर्तमान युग में टेलीविज़न का बहुत महत्व है। आवश्यकता के अनुसार ही टेलीविज़न का उपयोग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।